हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू के कॉन्सेप्ट का हम लोग बात कर रहे थे और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनाट हम लोग पढ़े संतोष गुड इवनिंग गौरव गुड इवनिंग आज हम लोग क्या है कि नेक्स्ट जितने भी डिटर्मिनाट के प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे उस प्रॉपर्टीज को जरा सा हम ध्यान से आप देखिए पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनाट में हमने तीन प्रोप, थ्री प्रॉपर्टीज का हम लोगों लो ने स्टडी किया था एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू का ये कॉन्सेप्ट भी है तीन प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थोड़ा सा उसका हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें प्रॉपर्टी नंबर वन मैंने आपको क्या बताया था केवल मैं आपको नोटेशन में लिख देता हूँ क्या कि अगर रो को कॉलम से इंटरचेंज आप करोगे आई हमने लिखा आप सी जे भी लिख सकते हो और आई बराबर जे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो अगर इसको हमने आई लिखा और इसको सी जे लिखा तो यहाँ लिखेंगे फॉर आई बराबर जे मैंने यहाँ वन है तो यहाँ भी वन होगा यहाँ टू तो यहाँ टू यहाँ थ्री तो यहाँ थ्री बात एक ही है तो रो से कॉलम में नित्या हेलो अगर हम रो से कॉलम में और कॉलम से रो में इंटरचेंज अगर हम करते हैं इसे डिटर्मिनाट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है इसको हमने पढ़ा था नोटेशन में नंबर टू नंबर नोटेशन नंबर टू देखो फिर हमने कहा कि किसी भी रो को किसी भी रो से किसी भी रो से किसी भी रो को अगर हम क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं राइट right? तो किसी भी रो को अगर किसी रो से इंटरचेंज अगर हम करेंगे तो उसका साइन बदल जाएगा ठीक है और फिर हमने लिखा सी आई यहाँ पर है नो चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट डिटर्मिनाट में कोई चेंजिंग नहीं होगा फर्स्ट पॉइंट दूसरा पॉइंट हमने आपको क्या पढ़ाया फिर से समझिए फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ाया कि रो से कॉलम को या कॉलम को रो से अगर हम चेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी भी रो को किसी भी कॉलम से अगर हम रो से इंटरचेंज करते हैं ठीक है फर्स्ट रो को सेकंड रो से या थर्ड रो के और सी आई जे या सी जे ये दोनों में से कोई भी काम करते हैं सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज़ तो क्या होगा साइन विल बी चेंज्ड साइन चेंज हो जाएगा दूसरी नंबर प्रॉपर्टी नंबर थर्डी प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टी तक पढ़ाए थे कि एलिमेंट ऑफ टू रोज या कॉलम्स अगर क्या हो इक्वल देन डिटर्मिनाट का वैल्यू जीरो होगा कोई भी दो रो या दो कॉलम का क्या हो एलिमेंट अगर इक्वल हो समृद्धि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सॉरी द डिटर्मिनाट अगर क्या हो गया एक एलिमेंट अगर दो रो या दो कॉलम अगर आपस में इक्वल हो जाए तब इसका मतलब है जीरो ये तीन प्रॉपर्टी थ्री प्रॉपर्टीज का हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी किया था राइट right? अब एक बात आपको मैं यह बता दूं प्रॉपर्टी नंबर फोर यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्री प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ा नेक्स्ट हम लोग सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उस पर सवाल बनाएंगे डिटर्मिनाट से एक सवाल ज़रूर रहता है ये बात आप जान लो इसलिए डिटर्मिनाट को आप पढ़ो और तीन रो तीन कॉलम पर आपको डिमांड होना ये सॉरी कमांड होना चाहिए तीन रो और तीन कॉलम का ही डिमांड है एग्जामिनेशन में ठीक है उसी से रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछता है इसलिए तीन रो तीन कॉलम पर आपको कमांड होना चाहिए वैल्यू निकालना जो प्रॉपर्टीज बता रहे ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए कथाइफ इच एलिमेंट फिर रो या कॉलम दोनों के लिए बात मैं लिख रहा हूं और फिर डिटर्मिनाट इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के ये ध्यान दो नॉन जीरो अगर कांस्टेंट के से हम क्या कर दें मल्टीप्लाय कर दें देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाकी आवाज सबको मिल रही है समझ में सबको आ रहा है पहले मैथमेटिक्स को आसान कीजिए देखो दो रो दो कॉलम से सिखाते हैं यही काम तीन रो और थ्री कॉलम से भी आपको सीखना चाहिए कि यदि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम कोई एक लेना है अगर आप क्या करते हो एक सर्टेन नंबर से आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो नॉन जीरो से जैसे टू से सबको मल्टीप्लाई किया तो जो पहले का डिटर्मिनांट है वो भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा दो रो दो कॉलम में मैं इसको सिखा रहा हूँ क्योंकि डिटर्मिनांट में रो एंड कॉलम अगर दो रो और दो कॉलम में कोई प्रॉपर्टीज फिट बैठती है तो इसका मतलब है तीन रो तीन कॉलम में भी वो प्रॉपर्टीज फिट बैठेगी ये बात आ रही है समझ में सबको यस या नो में जवाब दो सर देखो कैसे एग्जाम्पल देखो फॉर एग्जाम्पल नंबर वन राइट ए आई जी एक डिटर्मिनाट है टू थ्री फाइव सिक्स ये वैल्यू हमने पढ़ाया था टू इन टू सिक्स थ्री इन टू फाइव कितना आ गया माइनस थ्री नौ अब हम इस प्रॉपर्टीज को जज करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो हमने लिखाया वो सही है या नहीं है कैसे आर वन को हम क्या करते हैं आर वन इंटू टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं आर वन रो वन देखो इधर ऑपरेशन है और फिर इसी में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नौ एक नया डिटर्मिनाट आएगा जी नौ क्या हो गया मल्टीप्लाई करो फोर सिक्स फाइव सिक्स अब इसका वैल्यू आप निकालिए क्या आ गया ये वन नंबर है क्या आ गया जी आपका फोर इंटू सिक्स माइनस सिक्स इंटू फाइव नाइट नौ माइनस सिक्स देख लो जी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया कि डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू है वह बराबर हो गया या जो एक और दो से क्लियर हो गया तो डिटर्मिनाट ए का वैल्यू क्या हो गया कि डबल हो गया या नहीं हो गया तो वैल्यू विल भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट ऑरिजिनल डिटर्मिनाट लिख देता हूं ओरिजिनल डिटर्मिनाट वन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय टू ये टू से मल्टीप्लाई हो गया ये सेकेंड में आपको क्लियर हो गया तो यहां पर हमने क्या सीखा कि कोई भी एक रो आ रहा है बात समय समझ में गौरव समृद्धि नित्या संतोष सबको बोल रहा हूं कि अगर आप क्या करते हो कि कोई भी डिटर्मिनांट है पहला ओरिजिनल डिटर्मिनांट है हमने निकाला वैल्यू माइनस थ्री एक रो में दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह देखते हैं कि अभी उसका भी वैल्यू क्या हो जाता है डबल जो दो रो दो कॉलम में अप्लीकेबल है वही काम आपका थ्री रो और थ्री कॉलम में भी अप्लाइड होगा क्लियर है ये बात सबको समझ में आ गया अब देखिए नोट में मैं दो पॉइंट यहां लिखाना चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी के दो जी रिमार्क्स हैं रिमार्क्स देखिए दो रिमार्क्स की हम बात कर रहे हैं मेरा रिमार्क्स आप देखिए क्या है इस प्रॉपर्टीज का ये रिमार्क्स हम पहले भी पढ़ाए और आज भी आपको पढ़ा रहे हैं ये क्या रिमार्क्स आया देखें जरा नंबर वन बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो या फ्रॉम एनी वन रो ऐसा लिखो फ्रॉम एनी वन रो या वन कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ध्यान दो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या सीखा दिस प्रॉपर्टी कि वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम कॉमन जो हम लेंगे फैक्टर एनी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही लेंगे मैट्रिक्स में क्या होता था कॉमन निकालते थे या मल्टीप्लाई करते थे तो सभी में मल्टीप्लाई होता था या कॉमन होता था यहां ऐसा नहीं है या तो यहां पर कोई कांस्टेंट को पिछले क्लास में पढ़ाया था याद करो कि अगर कोई भी कांस्टेंट को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही करेंगे उल्टा कोई एक कॉलम या एक रो से ही कॉमन हो सकता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले जाए कि डिटर्मिनाटे ऐसा है लिखा हुआ 2a 2b 3c सिक्स डी तो आप जब कॉमन निकालोगे तो फर्स्ट रो से कॉमन जब निकालोगे तब ऐसे लिखोगे अलग अलग निकालना पड़ेगा और फिर जब थ्री कॉमन निकालोगे तो ऐसे ए सी बी और टू डी यानी सिक्स इंटू ये हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू फिर ये इंटू ये माइनस वन इंटू ये तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं सबको क्लियर हो रहा है लकी गुड इवनिंग सबको देखो ज्वाइन सही समय पर करो पूरी बात पढ़ो और सबको मेरा नंबर मालूम है ये देखो मेरा नंबर है नाइन नाइन वन जीरो ट्रिपल थ्री वन फाइव टू जिसको भी दिक्कत हो आप इस पर फोन करके हमेशा हमसे सहायता मांग सकते हैं हम आपके साथ हैं विथ यू फॉर यू ऑलवेज ट्वेंटी फोर इंटू सेवन माइनस सिक्स आवर छः घंटे हमको सोना भी है उसके अलावा हम हर समय आपकी सहायता कर सकते हैं ठीक है हम यहाँ पर आपको क्या है कि पूरे ये बात पढ़ा रहे हैं फिर हम सैम्पल पेपर्स भी आपको पढ़ाएंगे सब चीज़ पढ़ाएंगे बस आप काम करते रहिए अच्छे से अच्छे अच्छे नंबर लाइए राइट और अच्छे नंबर अगर लाओगे तो हमारा पढ़ाना सफल हुआ ठीक है पूरी बात समझ में आती है सबको पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं आता है Yes, या नो में जवाब दो तो किसी भी रो या कॉलम को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो वो उतना से ही बढ़ जाएगा सेकेंड नंबर बात देखिए समझिए यही रिमार्क्स टू में देखिए रिमार्क्स टू नंबर रिमार्क्स अभी प्रॉपर्टी नहीं लिखा रहे हैं इप क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एफ कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम एनी रोज या कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब है दट इज सेम रेशियो दैन डिटर्मिनाट का वैल्यू जीरो होगा दैन डिटर्मिनाट का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो होगा चाहिए नहीं एकदम होगा मैंने कहा कि दो रो दो कॉलम इक्वल हो कोई भी दो रो दो कॉलम तो डिटर्मिनाट का वैल्यू जीरो होगा प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है देखिए ये लाइन आपने लिखा ये जो हमने उसी से रिमार्क्स निकाला अभी जो प्रॉपर्टी नंबर हमने फोर लिखा है उसी के आधार पर हमने ये रिमार्क्स निकाला है चलो यहां पर ध्यान दीजिए क्या कहने का मतलब है यहां ध्यान दो सब प्यारे बच्चों फॉर एग्जाम्पल एक डिटर्मिनाट ऐसा है टू थ्री फोर फाइव एट माइनस टेन टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ध्यान दो ऐसा सवाल एक नंबर के सवाल में ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपसे पूछ दे ठीक है इसका वैल्यू क्या होगा जीरो कैसे पता लगा आप रो वन देखो इसको और इसको देखिए रेशियो सेम है प्रोपोर्शनल का मतलब सेम टू बाय टेन वन बाय फाइव थ्री बाय फिफ्टीन वन बाय फाइव फोर बाय ट्वेंटी रेशियो करके देखिए सेम आ रहा है यानी यदि आप कॉमन इसमें आप एक रो में तो कॉमन निकाल सकते हैं इस रो से अगर आप थर्ड रो से आप क्या करें कॉमन निकाल दें इसमें कॉमन कितना निकलेगा सब में फाइव तो फाइव कॉमन निकाल दो तो टू थ्री फोर फाइव एट माइनस टेन और ये भी हो गया टू थ्री फोर आप देख रहे हैं कि आर वन बराबर है आर थ्री ये दोनों आपस में बराबर है तो इस डिटर्मिनाट का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो समझ गए सारे मेरे हीरो ठीक है सारे हीरो समझ रहे हैं केवल हीरो ही नहीं हमारे लिए हीरोइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो सब समझ रहे हैं वेरी गुड कि अगर दो रो और दो कॉलम अगर आपका इक्वल हो जाए बेटा तो डिटर्मिनाट जीरो केवल इक्वल जीरो और दूसरा तरीका प्रोपोर्शनल एक सेम नंबर से रेशियो करके देखो अगर इक्वल आ गया एनी टू रो और एनी टू कॉलम तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा जीरो हो जाएगा ठीक है और एक नोट में एक बात बता दूं कोई भी एक रो या कॉलम आपका जीरो हो जाए सभी ये जीरो 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 टू थ्री फाइव सिक्स एट टेन अगर एक रो आपका जीरो है तो इसका भी वैल्यू हमेशा जीरो होगा ठीक है ये राइट ये सब काम हम आगे करेंगे ये बात आप समझ लीजिए तो ये भी बात आपने सीख लिया अब प्रॉपर्टी नंबर फाइव देखिए प्रॉपर्टी नंबर फाइव ये जो हम छह प्रॉपर्टी सात प्रॉपर्टीज आपको लिखाएंगे इसी के आधार पर आपको हम अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे ठीक है और सवाल कैसे बनाते हैं किन किन बातों का ध्यान रखते हैं कैसे सोचना चाहिए ये बात हम आपको बताएंगे और डिटर्मिनाट में थोड़ा प्रैक्टिस आप कीजिए जो सवाल आप एन सी के बुक में पढ़ रहे हो वही सवाल एग्जामिनेशन में उठ के आ जाता है और आपकी प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि कलम उठाओ और लास्ट तक कर दो ठीक है एक दिन मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ट्वेल्थ के बोर्ड में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मैथ में कैसे लाया जाए उसके लिए क्या काम करना चाहिए ये अगले क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे पांच मिनट ठीक है और उस पर आप काम करोगे तो डेफिनेट रूप से देखिएगा कि बहुत आप आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर फाइव सम और ऑल टर्म्स दोनों बात बोल रहा है और फिर रो या कॉलम और फिर डिटर्मिनाट आर एक्सप्रेस्ड ऑफ टू और मोर टर्म्स Then determinant can be expressed ध्यान दो as the sum of two or more determinant मतलब आप समझ समझाते हैं जी इसका मतलब क्या होता है देखिए YouTube पर जो चैनल पर आपका एलेवेंथ ट्वेल्थ का जो आता है वीडियो उसमें क्या करेगा क्वेश्चन नंबर एक उठाएगा और वो आपको बना के दिखाएगा इससे मैथ नहीं आना है हम आपको एज ए होल पढ़ा रहे हैं ये बात को आप समझिए कि पहले हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं फिर सवाल बताते हैं केवल एक कोई टीचर आता है बोर्ड पर पंद्रह मिनट उसका व्यू कितना होता है दस हज़ार पंद्रह हज़ार तो एक सवाल पढ़ने से मैथ नहीं आएगा आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल तब जाके बात बनेगी इसलिए पूरा का पूरा अगर वीडियो आप, पूरा का पूरा मैथ अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे साथ आप जुड़े रहो ये सब चीज मैं आपको बताते जाऊंगा कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा साथ का साथ क्या है कि क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे राइट ये बात आप सभी लोग समझ गए ऑल सम टर्म्स ऑफ हेरोन कॉलम डिटर्मिन एक्सप्रेस टू एंड मोर टर्म्स देन डिटर्मिनाट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनाट क्या इसका मतलब है समझाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक रो या कॉलम लीजिए जैसे अगर मान लिया जाए मैं लिखू ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी और डी ये एक डिटर्मिनाट है जो दो रो दो कॉलम में बात बता रहे हैं दो रो दो कॉलम में बात समझने में थोड़ी आसानी होती है तो जो दो रो और दो कॉलम की बात होगी वही बात क्या है कि थ्री कॉलम में भी और थ्री रो में भी लागू होगा इसलिए दो रो दो कॉलम से बात को समझिए और थ्री और थ्री थ्री कॉलम में उसको अप्लाई कीजिए तो यहां पर देखिए एक रो जो है ये दो दो टर्म का सम है दो से अधिक टर्म का भी सम हो सकता है तो इसका वही वैल्यू होगा जो वैल्यू इसका होगा इसको दो अलग अलग में लिख सकते हैं कैसे यहां पर देखें आप यहां पर A और सी बी और डी प्लस एक्स और सी और वाई और डी ये बराबर आएगा दोनों कैसे यह देखो देखो मैं एल एच एस से आपको प्रूव करके बता देता हूं एल एच एस में ये है और आर एच एस में आपका ये है ए प्लस एक्स सी देखो आता है कि नहीं डायरेक्ट कीजिए सॉरी ए डी प्लस एक्स डी माइनस बी सी और प्लस हो जाएगा सी वाई तो यही हो जाएगा ए डी प्लस एक्स डी माइनस बी सी माइनस सी वाई राइट यहाँ आ गया आंसर आर एच एस देखो नंबर वन आ रहा है समझ में सबको आ रहा है समझ में वेरी गुड आर एच एस देखो आर एच एस में क्या है ए सी बी डी प्लस एक्स सी वाई डी अब देखो ये ऐसे ऐसे आप करो क्या आता है जी देखिए ए डी माइनस बी सी प्लस एक्स डी माइनस सी वाई अब ये दोनों को एक साथ लीजिए देखिए ये वाला आ गया पार्ट ए डी प्लस एक्स डी माइनस बी सी माइनस सी वाई देख लो सेकेंड में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूव्ड हो गया यह बात आपको आई समझ में है कि अगर कोई भी दो रो फिर से समझा देता हूं फिर लिख लीजिएगा कि कोई एक रो या कोई कॉलम दो या दो से अधिक टर्म का सम हो तो आप दोनों का अलग अलग सम का अलग अलग क्या कर सकते हो कि अलग अलग हम बना सकते हैं ए सी बी डी एक्स वाई अलग अलग के सम के रूप में आप उसको बता सकते हो इससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हमने एल एच एस में देखा आर एच एस में देखा और एक और दो से हमने मिला के देखा सारी बातें सही है इज इट क्लियर सबको वेरी गुड ये बात आपने समझ लिया ये हम एक एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर करके हम बताते हैं एक नंबर में आपको चेंज करके बताते हैं देखते हैं कि ये जादू काम करता है कि नहीं करता है देखो जादू काम करेगा पक्का काम करेगा ठीक है अभी एक नंबर में आपको बता के दिखाते हैं कि जादू कैसे काम कर रहा है नहीं होने का कोई सवाल नहीं है जादू फॉर एग्जाम्पल और लीजिए यही लेते हैं टू थ्री फाइव सिक्स क्या ये आंसर बताओ बारह माइनस पंद्रह माइनस थ्री चलो एक इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं नौ दो को कोई भी दो नंबर में चेंज कर लो एक प्लस दो सॉरी एक प्लस एक तीन को बताओ दो प्लस एक इसको यही रहने दीजिए इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं वन फाइव टू सिक्स प्लस फिर वन फाइव वन सिक्स देखो ब्रेक करके आंसर माइनस थ्री आता है कि नहीं आता है इसका क्या हो गया सिक्स माइनस टेन प्लस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर प्लस वन तो कितना हो गया माइनस थ्री देख लो वन और टू आ गया बराबर कि नहीं आ गया जादू काम किया नंबर में तो नंबर को भी बात को ऐसे को, ऐसे आप समझ सकते हैं वो हमने टर्म बताया इसके आधार पर आपको हमने प्रूव करके दिखाया आप तीन दो तीन कॉलम में भी इस तरह से काम कर सकते हैं बात आ रही है समझ में सबको वेरी गुड देखो कितना मजेदार है डिटर्मिनाट और डिटर्मिनाट कितना आसान है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स जरा ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी नंबर सिक्स ये लास्ट है तब तक, तक हम थोड़ा पानी पी लें प्रॉपर्टी नंबर सिक्स कहता है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स ठीक है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स कहता है एफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एन हीरो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनाट द इक्वी मल्टीप्लाय इक्वी मल्टीपल्स आप पढ़िए फिर लिखिए फिर समझाता हूं ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आधार रो या कॉलम आर एडेड या सब कुछ भी बोल सकते हो एडिशन में सब भी शामिल है फाइव माइनस थ्री लिखे या फाइव प्लस माइनस थ्री लिखे बात एक ही हुआ मैं लिख देता हूं कई बार एडिट में सोचता है कि हमेशा एडिशन होगा कोई जरूरी नहीं है सब भी होगा देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम क्या इसका मतलब है नोटेशन में भी लिख देता हूं पहले आप लिख लीजिए फिर बात को आप समझिए इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनाट कोई भी रो एंड कॉलम आप ले लीजिए द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ कोई दूसरा रो लीजिए और सब में इक्वल मल्टीप्लाई कीजिए इक्वी मल्टीपल्स जीरो के अलावा जी, जी और उसको उसी रो दूसरे रो में हमें या कॉलम में कॉलम से कॉलम या रो से रो ऑपरेशन होता है अगर हम रो से कॉलम मिला के नहीं करेंगे ऑपरेशन किसी कॉलम को रो में नहीं ऐड कर सकते हैं रो से रो को ऐड में करें या कॉलम से कॉलम में करें अगर ऐसा काम करते हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्या मतलब हुआ इसी बात को हम नोटेशन में कैसे लिखेंगे ये तो लैंग्वेज में बताया नोटेशन में कैसे लिखेंगे यह समझिए पहले यानी मान लेते हैं कोई रो है आ रहा आर आई के साथ एक के जो है आरजे में हमने मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस किया उसी रो में आर जे अदर है के कोई कांस्टेंट है पूरे रो में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें तब भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वही है जी सी आई कोई भी होना चाहिए या सी जे कॉलम ले लीजिए सॉरी सी आई ले लीजिए कोई भी कॉलम या सी आई अब प्लस के सी जे कोई भी अदर में आप करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी ये लैंग्वेज में समझाने से समझ में बात दिमाग में नहीं आती है इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे तब देखो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ ये जो बात कहा जा रहा है एकदम सही है पक्का है और वो बात आपके दिमाग में पूरी आएगी राइट देखो कैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो एक डिटर्मिनाट हम ये लेते हैं यही वही सेम हम ले रहे हैं टू फाइव क्या हो गया बारह माइनस पंद्रह हो गया माइनस थ्री अब ये दोनों ऑपरेशन करके देखते हैं जो अगर कोई भी रो में अगर कोई बात होगा तो वही बात कॉलम के साथ भी होगा नौ या आर वन है पहले मैं रो में दिखाता हूं यार टू है आर वन आर वन प्लस टू आर टू इधर ऑपरेशन बतलाता है कि आर वन में हम टू आर टू को ऐड कर देने हैं और उसको किस में लिखना है आर वन में लिखना है ठीक है आर वन में टू आर टू नहीं आता है तो साइड में कर लेंगे कैसे पहले आर वन लिखना है तो आर वन लिख लो टू आर टू कर दीजिए तो टू आर टू कर दो 6 और बारह और इस दोनों को ऐड कर देना है तो ऐड कर दो और लिखिए इसको आर वन में लिखना है आर टू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा ये ऑपरेशन किसके लिए है आर वन के लिए ये ऑपरेशन किसके लिए है आर वन के लिए है आर टू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये क्या हो गया आपका ऐड करने के बाद एट और ये क्या हो गया सेवनटीन चलो इसको सॉल्व करके देखो आठ इंटू छ माइनस सत्रह इंटू थ्री कितना हो गया 48 एट माइनस फिफ्टी वन माइनस थ्री देखो कोई इफेक्ट पड़ा दिखाई पड़ा कि किसी भी रो ए, इक्वी मल्टीपल इक्विल का मतलब है सब में एक ही मल्टीप्लाई करना इक्वी मल्टीपल्स का मतलब समझ में आया कोई एक रो लीजिए हमने एक रो लिया वन किसी अदर रो लो और उसको इक्वी मल्टीपल करके हम किसी उस रो में ऐड कर दें तो इससे डिटर्मिनाट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये बात आ गई समझ में आपको सबको आया समझ में ठीक है एकदम धांसू कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को समझिए और इस धांसू कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ठीक है धांसू समझते हो जबरदस्त जबरदस्त एकदम झक्कास कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट को एकदम समझो एकदम याद रखो और इसका देखिए यूज होगा फिर हम ये सारे कॉन्सेप्ट को एक बार दोहराएंगे अभी तुरंत ये छः के छः कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए तब हम क्लास में अगले क्लास में आपको पूरी बात बताएंगे कि कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है किन किन बातों का ध्यान रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 एक्सरसाइज के सभी सवाल को लेंगे जो कठिन से कठिन हो और जो आसान है वो आपके लिए हम छोड़ देंगे राइट right? एग्जाम्पल में कुछ सवाल है कुछ उसको बनाया गया है वो कैसे उसकी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे आपके साथ दौड़ना नहीं है ऐसा दौड़ना है कि आपको समझ भी आ जाए और बात भी आपको समझ में आ जाएगी दूसरा है जी अगेन ये तो एक पॉइंट हमने समझाया कॉलम के साथ भी समझ लीजिए दूसरा पॉइंट मान लेते हैं जी हम लेते हैं सी वन सी वन क्यों हम सी टू के साथ कर ले एक सी टू है सी टू प्लस थ्री सी वन माइनस कर देते हैं लो एक प्लस किया एक माइनस करके दिखाता हूं सी टू में थ्री सी वन करेंगे और इसको लिखना है सी टू में सी वन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या काम करना है साइड में कर लो पहले सी टू आप क्या करना है लिखिए तो सी टू वही लिख लेंगे सी टू लिख लिया और थ्री सी वन करना है तो जो सी वन आपको दिया गया है इसको थ्री करना है 6 और ये कितना हो गया नाइन और इधर से इधर माइनस करना है सी टू माइनस ये माइनस कर और लिखना कहाँ है सी टू में ऑपरेशन को समझिए सी वन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये तो वही रह जाएगा फाइव माइनस सिक्स माइनस वन सिक्स माइनस नाइन माइनस थ्री राइट आई बात समझ में सबको अब इसका वैल्यू निकाल के देखो टू इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस वन इंटू थ्री क्या आया माइनस सिक्स प्लस थ्री देखो माइनस थ्री फिर वही आंसर आया कि नहीं आया तो हम रो से भी कोई ऑपरेशन कर सकते हैं कॉलम से भी कोई ऑपरेशन कर सकते हैं चाहे वह दो रो दो कॉलम हो चाहे तीन रो तीन कॉलम हो आप देखिएगा कि एकदम इससे डिटर्मिनाट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा ये बात आप लोगों ने समझ लिया समझे सभी बच्चे अब देखो फिर से समझते हैं जी प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर वन क्या रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या कॉम प्रॉपर्टी एकदम दिमाग में याद होना चाहिए रो को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में चेंज करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा डिटर्मिनाट का वैल्यू सेम रहेगा दूसरा किसी एक रो से दूसरे रो या किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनाट का साइन बदल जाएगा तीसरा पॉइंट अगर दो रो या कॉलम आपस में इक्वल हो जाए सभी एलिमेंट तो डिटर्मिनाट का वैल्यू जीरो होगा और जीरो जीरो होने का एक और तरीका बताए या तो इक्वल हो जाए या तो प्रोपोर्शनल हो जाए तब भी जीरो होगा राइट तीसरा नंबर प्रॉपर्टी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी थर्ड नंबर सॉरी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो या कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें जैसे आप दो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे डिटर्मिनाट का भी वैल्यू दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको क्या पढ़ाया कि अगर कोई भी रो या कॉलम में दो नंबर का दो टर्म का सम है तो अलग अलग हम सम डिटर्मिनाट के सम के रूप में उसको लिख सकते हैं और लास्ट छठा नंबर प्रोपर्टीज कि कोई रो या कॉलम में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए पूरे में और किसी अदर रो में उसको जोड़ दीजिए या कॉलम में जोड़ दीजिए इसे डिटर्मिनाट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये छह प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो सवाल बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा ठीक है तो ये छह प्रॉपर्टी में कुछ सवाल हैं जो छह प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करता है ये सब आप प्रॉपर्टी एग्जाम्पल टेन तक जितने भी एग्जाम्पल आपके बुक में ये आपका होमवर्क है ये होमवर्क है सभी बच्चे करेंगे एग्जाम्पल जरूर बनाएंगे एग्जाम्पल से सवाल रहता है कि एग्जाम्पल आपको बनाना है एनसीईआरटी के बुक से वन टू टेन वन टू टेन सबको बनाना है इस एग्जाम्पल को बना के नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे लाओगे तो अगले क्लास में हम बहुत सारे टू टिप्स आपको देंगे कि डिटर्मिनाट के वैल्यू को कैसे टेकल किया जाता है कैसे हम उसको सोचेंगे बड़े सवाल को कम से कम समय में कैसे बनाएंगे ये सारी बातों को हम लोग अच्छे से सोचेंगे ठीक है आज के लिए बस इतना ही थैंक यू धन्यवाद ये बात आ गई समझ में सबको ठीक है एंड बाय बाय राइट आप हमारे लिए ब्रांड एम्बासडर हैं, ठीक है तो आप अपने दोस्तों से भी बोलें और सभी को इस पर आप ज्वाइन करवाएं, ठीक है? सबको फायदा होगा आपके कई दोस्त हैं एक दूसरे कैलकुलस लेके आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे और दिसंबर तक आपके पूरे सिलेबस को हमको खत्म कर देना राइट आप जुड़े रहिए और मस्त रहिए ठीक है थैंक यू